श्रीमान अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अशोक जी गहलोत से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों 19 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था जो CHO का, उसमें काफ़ी सारे टूटी पाई गई। उसमें मेन पॉइंट है कि उसमें राजस्थान में 3 सेंटर दिए गए थे, अजमेर, जयपुर और कोटा। इसमें जयपुर सेंटर एक केंद्र पे जहाँ पे एग्ज़ाम हॉल के दौरान वहाँ पे जो फर्जी कैंडिडेट भी पाया गया, उसके बारे में जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुआ। और एग्ज़ाम होने से पहले यानी 80% जो क्वेश्चन है, जो 100 में से 80% जो हूबहू क्वेश्चन है, ऐसे मैं हम निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री वो इस एग्ज़ाम को जो कैंडिडेट्स पाया गया फर्जी, उनको उसके ऊपर एक्शन ले और एक्शन में से हमारे सपोर्ट कर रहे हमारे बॉस भरत जी बेनीवाल, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो उनके भी और वो भी हमारा उनका भी हम भी सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे हूबहू के माध्यम से और अन्य जो माध्यम से। लेकिन और भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री से वो एग्ज़ाम को वापस दोबारा करके, क्या कि जो भी बेरोजगार हमारे साथी जन हैं जो काफ़ी समय से काफ़ी सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं और उनका रिजल्ट थोड़ा अच्छा मिलना, क्योंकि हम एग्ज़ाम फाइट करने के माध्यम से हम इस एग्ज़ाम हमारा रिजल्ट अच्छा रहे और जो भी कैंडिडेट जो पेपर लीक के माध्यम से जो पाए गए उनके ऊपर सख्त मैं निवेदन करना चाहता हूँ सर से कि उनके ऊपर सख्त CHO जी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि वो भी काफ़ी समय से उनको डेट पे और समय से समय पर वो तारीख बदल रहे हैं, डेट बदल रहे हैं। उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी जल्द से जल्द उनका भी रिजल्ट दे। और हमारे चेयरमैन, प्रदेश चेयरमैन ने तो उनको दे दिया है कि उन्होंने क्योंकि CHO के ऊपर, SOG के ऊपर, लेकिन वो भी उनके अभी 2 घंटे आज के दिन के पहले न्यूज़ में आया था कि अभी उनको न्यायालय SOG ने न्यायालय को सौंप दिया। न्यायालय कह रहे हैं कि SOG जो भी डिक्लेयर करेगा वो SOG के, क्योंकि वो इधर उधर हेयर बदल करने जा रहे थे। सरकार से मेरा यही निवेदन, सर से यही निवेदन है मुख्यमंत्री से, ताकि हमारा रिजल्ट वापस वो एग्ज़ाम दिया था वो एग्ज़ाम को रद्द कर वापस दोबारा 1 महीने के अंदर अंदर इस अप्रैल मार्च माह के अंदर अंदर जल्द से जल्द एग्ज़ाम करवाए और हम जो भी बेरोजगार साथी, हम जो भी जो एलिजिबल कैंडिडेट युवा साथी है और जो भी हम एलिजिबल जो छात्र है, जो बेरोजगार नर्सिंग स्टाफ है, जो ताकि हम उस एग्ज़ाम को फाइट करके और अपना भविष्य को उज्जवल करें, मैं सर से यही निवेदन करना चाहता हूँ और हमारे यहाँ पे आए तमाम साथी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी माने हम आगे भी कुछ भी कार्य करने पड़े तो हम जरूर हम एकजुट होकर और जो भी हमारे जो भी भाई अभी साथी लोग नए हैं कि उनको से भी निवेदन करना चाहता हूँ ताकि वो भी आकर हमारा सपोर्ट हर क्षेत्र में हमको सपोर्ट करेगा, हम उनके सहारे हैं। धन्यवाद।